गाइज फिलहाल तो अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये वाला ईवो वर्ल्ड इवेंट चल रहा है, जो कि यार 7-8 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद गाइज नया ईवो वर्ल्ड इवेंट अपने इंडिया सर्वर के अंदर आएगा। तो यार बहुत भाई जानना चाहते हैं कि उस नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कौन कौन सी ईवो गन स्किन्स आने वाली हैं, एंड बहुत भाई यार वेट कर रहे हैं कि कोबरा MP40 रिटर्न आएगी या नहीं उसके अंदर। सो गाइज काफ़ी सारे डाउट्स हैं नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट को लेकर, जो कि यार इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड आपको 100% कन्फर्म बता दूंगा कि नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कौन कौन सी ईवो गन स्किन्स ऐड होने वाली हैं। एंड इतना ही नहीं है यार, और भी मस्त मस्त अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यार देखो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त मंथ का बोया पास का फुल रिव्यू आपको करके दिखाने वाला हूं। एंड इसी के साथ में गाइज जो अपना रिवार्ड रिडेम्पशन वेबसाइट है, रिडीम कोड की वेबसाइट भाई, वो भी अब यहां पे पूरी तरीके से बिंदास चल रही है। एंड गरेना वालों ने उसको लेके अनाउंसमेंट भी कर दिया गेम के अंदर। और गुड न्यूज़ यह है भाई, जल्दी हमको रिडीम कोड्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो क्या सीन रहेगा रिडीम कोड्स का, उसके बारे में भी गाइज बात करेंगे। एंड और भी गाइज मस्त मस्त अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड साथ में गाइज आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से पिक किए हैं। तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमेशा एक तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। और हाँ यार, मुझे कमेंट करके बताओ कि जब से बुआ पास आने लगे हैं तब से लेके अब तक आपने कितने बोया पास खरीदे हैं? मैंने तो भाई अभी तक एक भी बोया पास नहीं खरीदा। इसका रीजन यह है, देखो हमने जो पहले लाइट पास खरीदा था ना, मैंने स्ट्रीक बनाई हुई थी एक बोया पास, वो सॉरी लाइट पास खरीदने की। जब से यार पता लगा ना इन्होंने लाइट पास हटा के बोया पास ला दिया, तब से यार मैंने एक भी बोया पास को नहीं खरीदा है। बाकी आप यार बताइएगा कमेंट करके आपने अभी तक कितने बोया पास खरीदे हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज कुछ मस्त मस्त अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही जल्द अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले हैं। एंड देखो भाई आज अपने इंडिया सर्वर के अंदर ईवो बोनांजा इवेंट भी आ चुका है, तो बताना मुझे कमेंट करके आपने कौन सी ईवो गन को ऑपरेट किया है एंड कितने डायमंड आपके खर्च हो चुके हैं। और देखो ये ईवो बोनांजा इवेंट जो है ना, इसकी डेट अचानक से कंफर्म हुई थी, मतलब सरप्राइजली लीक्स तो निकल के आई थी कि वो बोनांजा इवेंट आएगा, बट मैं आपको किसी वीडियो में इसकी कंफर्म डेट नहीं बता पाया। बट मैंने व्हाट्सअप चैनल पे अनाउंस कर दिया था, तो अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो नहीं किया है ना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके भाई जोर से फॉलो कर लेना। जो भी सडनली अपडेट्स निकल के आते हैं फ्री फायर मैक्स की तरफ से अपडेट्स वगैरह, वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो भाई ये तो अपनी ये आज की अपडेट होगी। और देखो अब जो है ना, बहुत ही जल्द अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक नया फेरेड व्हील इवेंट आने वाला है, जो कि होगा चैंपियन वॉक इमोट का, ठीक है, जो अपने T20 वर्ल्ड कप का बेस्ड पे इमोट रहने वाला है। और देख सकते हो गाइस इसका बैनर वगैरह, ठीक है, रिव्यू भी निकल के नहीं आया मेरे पास, आता है तो मैं लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो भाई जो भाई क्रिकेट के फैन है, निकालना चाहते हैं इमोट को, निकाल सकते हैं, बढ़िया इमोट रहने वाला है। फिर रिव्यू में आएगा 26 जुलाई को, कंफर्म हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपने नेक्स्ट लक रॉयल इवेंट की तरफ से, जो कि होने वाला है अपना वॉल रॉयल। एंड इसके अंदर गाइस आपको 4 ग्लू वॉल के स्किन्स देखने को मिलेंगी, एक दो अपनी रिटर्न आएंगी एंड एक दो शायद यहाँ पे नई हो सकती हैं, ठीक है। मुझे भाई कंफर्म नहीं पता क्या सीन है, बट ये वॉल रॉयल इवेंट जो है गाइस आने वाला है 27 जुलाई को अपने इंडिया सर्वर के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे ग्लू वॉल के स्किन अच्छी लगे निकालने की सोच रहे हैं, निकाल सकते हैं। कम से कम भाई 500-600 डायमंड तो आपको खर्च हो ही जाएंगे एक ग्लू वॉल के स्किन को निकालने, बाकी लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड चलिए गाइस अब बात करते हैं आप अपने रिडीम कोड के बारे में। तो भाई देखो गेम के अंदर जब आप जाओगे ना, तो आपको एक बैनर दिख जाएगा रिवार्ड रिडेम्पशन वेबसाइट, ठीक है, जो कि यार यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है, मतलब इसमें कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया था। तो भाई देखो अब सीन यह है कि आपको यहाँ पे रिडीम कोड मिलने वाले हैं। अब देखो रिडीम कोड मिलेंगे कैसे, या तो गिव अवे वगैरह चलेंगे, ठीक है, 7th एनिवर्सरी के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है, या तो वो गिव अवे चलेंगे या फिर टूर्नामेंट्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। तो रिडीम कोड्स गाइज आपको भर भर के मिलेंगे, एंड रिवॉर्ड्स तो अभी कन्फर्म नहीं है क्या मिलेंगे, लेकिन हाँ रिडीम कोड आपको भर भर के मिलने वाले हैं गाइज। सो रिडीम कोड अगर आपको सबसे पहले चाहिए, मतलब रिडीम कोड कहीं एक्सपायर ना हो जाए, सबसे पहले आप रिडीम कर लें, तो भाई अपने भाई को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, TechnoBhai7UsingName है। जब भी पहले रिडीम कोड आते थे दिवाली के हो गए या टूर्नामेंट्स वगैरह के, वो मैं आपको पहले प्रोवाइड करता था सबसे पहले, ठीक है, जिससे कि एक्सपायर होने से पहले आप लोग रिडीम कर लेते थे। तो भाई फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो कर लेना TechnoBhai7UsingName है। जैसे रिडीम कोड आता है मैं तुरंत से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ठीक है, शेयर कर देता हूँ। तो भाई ये रिडीम कोड अब जल्दी मिलने वाले हैं। अब जो भी लीक्स होंगे, रिडीम कोड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, सब मैं आपको बता दूंगा जब यहाँ पे रिडीम कोड निकल के आएगा, ठीक है। तो भाई रिडीम कोड की बरसात होने वाली है ढंग से। एंड देखो भाई यहाँ पे न्यू जो अपना मोड भी आने वाला है FF टीम डेथ मैच करके, जिसके अंदर गाइज आपको FPP मोड मिल जाएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये वाला मोड गजब है भाई, इसमें जो है ना आपको अलग ही लुक मिलने वाला है भाई मैच के अंदर। और चले गए जब नेक्स्ट अगस्त मंथ के बोया पास का रिव्यू कर देता हूँ। तो भाई देखो जो अपना नेक्स्ट मंथ का बोया पास होगा उसका नाम होने वाला है मजेस्टिक रोयर, ठीक है। और इसके रिवॉर्ड्स आप देख सकते हो गाइस, स्टार्टिंग में आपको ये फीमेल का बंडल मिल जाता है जिसका नाम होगा लियो गट बंडल, ठीक है। एंड देखने में तो भाई समझ सकते हैं कैसे बंडल आते हैं बोया पास के अंदर। एंड उसके बाद में गाइज आपको ये जीप वगैरह के स्किन, ठीक है, एंड छोटे मोटे आइटम्स तो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी लूट बॉक्स देखो यार, मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये यार गोल्डन लायन की थीम पे बेस्ड है टोटली बोया पास, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे मैं आपको मेजर मेजर जो उसके मेन मेन तगड़े तगड़े आइटम्स है वो दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पे स्काई बोर्ड की आपको स्किन दिख जाएगी लियो स्टारडस्ट, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पे आपको P90 की स्किन मिलने वाली है, अवतार बैनर्स वगैरह आप इसके देख सकते हो। P90 की स्किन देख लिया आपने, साइथ की स्किन देख लो भाई,
सनराइज लियो एंड अलग ही इफेक्ट एनिमेशन से भाई इसमें, ये भी गजब है। बैकपैक की स्किन देख लो भाई, ठीक है। एंड उसके बाद में गए यहाँ पे आपका नेक्स्ट आइटम है ग्रेनेड की स्किन, ग्रेनेड की स्किन आपने देख ली, ठीक है। एंड देन गए यहाँ पे आप ग्लू वॉल की स्किन देख लो, ल्यूट थ्रीट करके, जिसमें कि कोई एनिमेशन वगैरह नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ओनली डिजाइन इसका ऐसे दे दिया है। एंड उसके बाद में आता है गए यहाँ पे अपना मेल का बंडल, जो कि फाइनल लुक आप देख सकते हो, ल्यू परेड बंडल इसका नाम होने वाला है। एंड ये भी ठीक ठाक से लग रहा है, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो यार ये ऑल टोटल मेन में रिवॉर्ड्स मैंने आपको दिखा दिए अपने नेक्स्ट मंथ के बुया पास के। आपको कैसा लगा नेक्स्ट मंथ का बुया पास मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो हो सकता है देखो कुछ भाइयों को इस मंथ का बुया पास अच्छा ना लगा हो, नेक्स्ट मंथ का बुया पास अच्छा लग रहा हो, वो उसको निकाल लें, ठीक है भाई। जो भी है आपके ऊपर है, मुझे एक बार बताना जरूर कमेंट करके आपको ये नेक्स्ट अगस्त मंथ का बुया पास कैसा लगा, ओके। और चले गए जब आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से पिक किए हैं। तो पहली कमेंट आ रही है असम इंडिया की तरफ से, ये कह रहे हैं भाई आपके वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ क्यों नहीं आती, सब्सक्राइबर तो लाखों में है। यार देखो जब फ्री फायर बैन नहीं हुआ था उससे पहले अपना कंटेंट भी मस्त मस्त हम डालते थे, रिडीम कोड्स वगैरह के एंड और भी यार अलग अलग तरीके के कंटेंट थे, अपडेट्स वगैरह के, ठीक है। तो उस टाइम पे यार बढ़िया व्यूज़ आते थे, चैनल एकदम रॉकेट की तरह उड़ रहा था। बट गाइस फ्री फायर बैन होने के बाद ना एक तो इंटरेस्ट नहीं रहा गेम में, ठीक है। प्लस कभी कभार वीडियो कोई चल गई एंड इतना इंटरेस्ट नहीं यार ऑडियंस दिखाती। अब यार वही टू नाइट अपडेट की वीडियो डाल दी, कभी कभार कोई मेन अपडेट की वीडियो डाल दी, ऐसा चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है एक तो प्लस कंटेंट डालने में, और दूसरा यार ऑडियंस भी अब समझ सकते हो इसमें क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो हो जाएगा भाई सब ठीक फ्री फायर इंडिया आने, तो बाकी मैं भी यार कंटेंट में डे बाई डे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार कंटेंट सेम नहीं रहना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं बिल्कुल ही चेंज, ठीक है। तो ये सीन है, आ जाएगा यार सब कुछ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही है। तो प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें और बढ़ाते रहें इसको। एंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आ रहा है किंग मिलन गुप्ता की तरफ से, ये वह कह रहे हैं भाई रेड मनी बंडल कब आएगा, पिक माई कमेंट। देखो भाई रेड मनी बंडल जो है ना अपने अगस्त महीने के अंदर आएगा, 20 अगस्त से पहले पहले इसकी डेट वगैरह जो भी है कन्फर्म हो जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट कमेंट आ रहे हैं मिस्टर इटाची की तरफ से, ये वह कह रहे हैं भाई एंजेलिक रॉयल आ सकता है क्या। देखो भाई चांसेस तो हैं एंजेलिक रॉयल इवेंट हमें देखने को मिले, क्योंकि यार सुपर हीरो जो इवेंट है फ्यूचर 24 उसके अंदर कुछ लीक्स ऐसे निकल के आ रही हैं कि एंजेलिक आइटम्स अपने रिटर्न आ सकते हैं। तो एंजेलिक रॉयल आ सकता है या फिर एंजेलिक आइटम्स जो भी है, ठीक है, मतलब एंजेलिक के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मिलता जुलता आएगा जरूर। अब जो भी लीक्स आएंगे वो मैं सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। और चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के बारे में, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो में फुल मजा आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। तो देखो भाई जो नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट आने वाला है उसके अंदर अपनी दो ईवो गन्स तो कन्फर्म है जो कि रिपीट होंगी, एक तो अपनी ईवो M187 एंड एक गाइस ईवो पैराफॉल, ये तो कन्फर्म रिपीट होने वाली हैं। लेकिन जो यहाँ पर दो नई ईवो गन ऐड होंगी, एक तो होगी गाइज ईवो UMP एंड जो एक होगी ना वो भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, वो या तो ईवो M41 हो सकती है या फिर अपनी कोबरा MP40 हो सकती है। तो कोबरा MP40 या ईवो M41 में से एक आएगी और एक ईवो UMP रहेगी, ये तो कंफर्म है भाई। तो हाई चांसेस रहेंगे गाइज यहाँ पे, वैसे तो कोबरा MP40 के बताए जा रहे हैं लेकिन ईवो M41 के भी कम नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सीन है, अब मैं तो सोच रहा हूँ यार कोबरा MP40 आ जाए ना तो मज़ा आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वेट कर लिया कोबरा MP40 के रिटर्न आने का, बहुत लोगों ने डायमंड वगैरह इकट्ठे करके रखे हुए हैं। आप एक बार बताइएगा जरूर कमेंट करके ईवो M41 आनी चाहिए या कोबरा MP40 आनी चाहिए नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर, ठीक है। तो कोबरा MP40 की यार बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, एंड होप यार कोबरा MP40 ही आए, ठीक है। बाकी नहीं आ पाती है तो भाई देखो कुछ अच्छा सोच रखा होगा घराना वालों ने कोबरा MP40 के रिगार्डिंग, जो भी लिख सकेंगे मैं शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।